आज मैं आपको बताऊंगा कि ऊन से फ्लावर कैसे बनाएं। इसके लिए जो हमें एक्सेसरी चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए सीज़र और एक स्केच पेन। आप पेंसिल या पेन भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहिए ऊन। तो चलिए सबसे पहले हम कैंची को साइड पर करते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और थोड़ी सी ऊन को काट लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये ऊन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए आपके पेंसिल पेन या स्केच पेन से। सबसे पहले हम इसे ऐसे इधर बांध लेंगे। ये मैं क्यों बांध रहा हूँ आपको ये बाद में पता चलेगा, फिलहाल आप देखते रहिए। अब इसे ऐसे पकड़ लेंगे, इस ढक्कन को खोल देते हैं। अब इसे ऐसे पकड़ देंगे और बाकी उनको इस उनको थंब से ऐसे होल्ड करेंगे और इसे ऐसे घुमाना शुरू करेंगे। फिर से पीछे कर देंगे, फिर घुमाएंगे, फिर पीछे कर देंगे, फिर घुमाएंगे, फिर पीछे कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए क्योंकि जब हम इसे थोड़ा सा पीछे करते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसे आगे पीछे करने में या पेन से निकालने में आसानी रहेगी। इसे लगभग कम से कम 30 बार घुमाएंगे। 5 बार और हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। मुझे लगता है कि ये 30 बार से ज़्यादा हो चुका है, जो कि हमारे लिए इनफ है। अब हम इसे ऐसे काट देंगे और ऊपर वाले का भी काम हो चुका, उसे भी काट देंगे। अब इस उनको करते हैं साइड में और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ओहो, यहाँ से रह गई थोड़ी से। स्केच पेन को कीजिए साइड में और अब देखिए हमारा ये रोल्स तैयार हो चुके हैं। बस हमें इसमें एक गांठ बांधनी है बड़े प्यार से। और लगता है हमारा फूल, हमारा वुलन फ्लावर तैयार हो चुका है। एक और गांठ मारेंगे और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हैं इनको ना खींचने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप इसे खींचोगे तो ये ख़राब हो सकता है। इसे बड़े प्यार से हम काट देंगे। और ये लगभग आपका वुलन फ्लावर तैयार हो चुका है। लेकिन अब हम थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे इसके ऊपर। पहले इसे थोड़ा सा सही कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये थ्रेड अच्छा नहीं लग रहा, इसे भी काट देते हैं। डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे हीरे मोती और ग्लू। ग्लू को खोलने से पहले प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें ग्लू चिपक जाती है हर बार, जिसकी वजह से ये निकल नहीं पाती। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इससे बचने के लिए क्या करूं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं ये ग्लू मेरा काम ना थोड़ा सा रुक जाता है। अभी भी नहीं निकल रही यार।
ग्लू भी निकल चुकी है और मोती अब भाग रहा है। ये देखिए कितना सुंदर वुलन फ्लावर तैयार हो चुका है। मैंने इसी तरह के कई और भी बना कर रखे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाइट वाले को, ये भी वाइट वाला है। और ये रहा एक और रेड वाला और एक येलो वाला। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।